हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव योर फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही पॉपुलर बंगाली फिश हेड करी, या फिर आप उसे पुलाव भी बोल सकते हैं, जिसे बंगाली में मुरी घोंटो कहा जाता है। तो आइए ये टेस्टी और यूनिक रेसिपी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों के तेल को गरम कर लें। फिर एक मीडियम साइज के आलू को मीडियम पीसेस में डाइस करके तेल में डालें। साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इन सभी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। ये आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें तेल से निकालकर अलग रख दें। अब बचे हुए तेल में कुछ खड़े मसाले जैसे 1 टीस्पून जीरा, 3 इलायची, 4 लौंग, 1 छोटी दालचीनी, 2 सूखे लाल मिर्च और 1 तेजपत्ते को डालकर कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें। नेक्स्ट पैन में एक बड़े साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके डालें और मीडियम फ्लेम पर इसे सुनहरा होने तक भून लें। जब प्याज का रंग सुनहरा हो जाए, तब इसमें 2 चॉप किया हुआ हरी मिर्च और 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन को डालें और 1 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चीनी को डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। बंगाली रेसिपीज में थोड़ा चीनी ऐड किया जाता है, जिससे इसका फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। अब पहले से फ्राई करके रखा हुआ आलू के पीसेस को भी पैन में डालकर बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लें। ट्रेडिशनली मुरी घोंटो रेसिपी में गोविंदभोग राइस यूज किया जाता है, लेकिन इसके जगह पर आप कोई भी एरोमेटिक पुलाव राइस जैसे जीरा राइस या फिर बासमती चावल को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप गोविंदभोग राइस या फिर जीरा राइस यूज कर रहे हैं, तो अच्छे से धोने के बाद आप डायरेक्टली उसे कुक करें। उसे अलग से पानी में भिगोकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बासमती चावल से ये बना रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से धोने के बाद 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें। मैंने यहाँ पर 1/2 कप गोविंदभोग चावल को धोकर पैन में डाला है और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई किया है जब तक ये चावल के दाने अलग अलग न हो जाए और दिखने में ये ग्लॉसी हो जाए। 1/2 कप चावल के लिए 1 कप गर्म पानी पैन में मिला दें। आप जितना चावल लेंगे, पानी आपको उसका डबल लेना होगा। अभी नमक को एक बार चेक कर लें, अगर नमक कम है तो थोड़ा और नमक मिला दें। मैंने पहले से ही 2 रोहू के फिश हेड्स को हल्दी और नमक लगाकर हल्का फ्राई करके रख लिए थे, तो अब इसे पैन में डालें और फिर पैन को कवर करके चावल पकने तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें। बीच बीच में 1-2 बार पैन के लीड को हटाकर सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। ध्यान रखें, चावल पैन के नीचे चिपक कर जल ना जाए। अगर आप देखते हैं चावल पकाने के लिए थोड़ा और पानी चाहिए, तो अपने जरूरत अनुसार इसमें गर्म पानी मिला दें। आप इस रेसिपी में काजू और किशमिश भी दे सकते हैं। पंद्रह मिनट में चावल अच्छे से कुक हो गया है। आप चाहे तो फिश हेड को थोड़ा स्मैश कर सकते हैं, जो कि चावल के साथ बॉईल होकर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है।
लास्ट में इसमें एक टीस्पून घी मिला दें और फिर गैस को बंद कर दें। घी ऐड करने से मुरी घोंटो और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल बंगाली मुरी घोंटो या फिर फिश हेड करी पुलाव तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप आपके सजेशंस और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू।